नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एक्ट एज इफ टेक्निक लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने ब्रेकअप से, अपने पैचअप और एक कमिटेड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया है। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है और एक्ट एज इफ टेक्निक की कहानी है। हाँ, अच्छा, मना किया है ऊपर, वो नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। पर लिखा है मैं नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैंने एक्ट एज इफ टेक्निक से अपने ब्रेकअप के बाद में पैचअप और पैचअप के बाद में अपने कमिटेड रिलेशनशिप और कमिटेड रिलेशनशिप के बाद में अपने एंगेजमेंट तक को मैनिफेस्ट कर लिया है। और अपने एंगेजमेंट के बाद में आपके साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी ये सक्सेस स्टोरी सब लोगों के साथ में शेयर करें। हो सकता है कि इससे किसी को हेल्प मिले और मेरा अच्छा कर्मा बने। आई लव यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी इंगेजमेंट मेरे पार्टनर से हो गई है। हम दोनों के बीच में कमिटमेंट का बहुत इशू था। शुरू के 2 साल मैंने कमिटमेंट नहीं दिया और जब मेरा कमिटमेंट लेने का नंबर आया तो मेरे पार्टनर ने कमिटमेंट देने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि जब मैं चाहता था कि तुम मुझे कमिटमेंट दो लेकिन तुमने मुझे कभी कमिटमेंट नहीं दी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं था कि मैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे 2 एग्ज़ाम्स थे और मेरी बड़ी बहन की शादी थी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होनी थी। इसलिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल थी कि मैं अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से कोई कमिटमेंट दे दूं। मेरे लिए अभी मेरे एग्ज़ाम का और मेरी बड़ी वाली दीदी की शादी का, जो कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन में थी, उसका ही टेंशन चल रहा था। और मेरा बस ये एक मन था कि मैं अपने पार्टनर के साथ एज ए बेस्ट फ्रेंड रिलेशन में भी रहूं और एज ए बेस्ट फ्रेंड भी रहूं। लेकिन अभी कमिटमेंट देने की हालत में नहीं हूं। अभी मुझे लगता है कि मेरे लिए ये 2 चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने ये बात उनको क्लियर भी की थी। लेकिन वो डर गए मेरी ये बात सुन के कि शायद मैं उन्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहती, जबकि मैंने उन्हें ये बोला था कि मैं कुछ भी हो जाए शादी आपसे ही करूंगी, पर मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकती हूं क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अड़ी हुई हैं जिसके चलते अभी मेरा पॉजिटिव कमिटमेंट देने का मूड नहीं है, मन नहीं है और मेरी वो वाइब्रेशन नहीं है। मैं बहुत सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती आई हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को मानती हूँ। मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर नेगेटिव जोन में रह करके अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे दूँगी और आगे जा कर के कोई इशू हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में अपनी सिस्टर की वजह से फंसी हुई थी। फाइनली मेरे दोनों एग्ज़ाम्स भी हुए, मेरी बहन की अच्छे से शादी हुई और जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो भी निकले। जब सब कुछ स्मूथ हुआ तब मैंने अपने पार्टनर से 2 साल के बाद में बात की। इस बीच 2 साल तक हमारा रिश्ता अच्छा चला लेकिन बिना कमिटमेंट के ही चला। अब जब मैंने अपने पार्टनर से अपनी शादी की बात की और मैंने उनको सब बताया कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, मेरी जॉब भी अब मेरे हाथ में आ गई है, बहन की शादी हो गई है, आज वो प्रेग्नेंट भी है, चलो अब हम अपनी शादी के बारे में कुछ सोच लेते हैं, तब मेरे पार्टनर ने मुझे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि वो अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में मेरे साथ में जा सकते हैं। और यहाँ से ही सिलसिला शुरू हुआ हम दोनों की लड़ाइयों का, क्योंकि मेरे पार्टनर ने साफ मना ही कर दिया था। मैंने कभी मना नहीं किया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पार्टनर ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत हर्ट होता रहा हूँ, वो उन चीज़ों को लेकर के ही हर्ट होते रहे हैं, मैं अपनी बहन को लेकर के कुछ ऐसे इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थी जहाँ पर मैं अपने पार्टनर को उतनी चीज़ें, उतना टाइम और उतना सब नहीं दे पाती थी जो मुझे देना चाहिए था। और इसके लिए मैं हर बार उनको मैसेज करके, कॉल करके सॉरी बोलती भी थी और फील भी करती थी, लेकिन शायद यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी थी और मेरे पार्टनर ने मेरे साथ में ब्रेकअप कर लिया। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो गए और ये अलग होने के 1 साल के बाद की बात है जब मैंने एक्ट एज इफ टेक्निक की और ये सोचा कि मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो रही है और बस मेरे घर में तैयारियां चल रही हैं। अब मैं हर वक्त इसी मूड में रहती जैसे कि मेरी ही शादियों की प्लानिंग हो रही है, मेरी ही शादियों की बातचीत चल रही है। मेरे पेरेंट कोई भी शादी के टॉपिक पर मेरी ही बात करते या किसी और लड़के की भी बात करते तो मैं एक्ट एज इफ टेक्निक में ऐसा ही सोचती कि ये लोग मेरी
मेरे पार्टनर से ही शादी की बात कर रहे हैं, और यही करते करते मैंने इसको बहुत पॉजिटिव ले लिया और धीरे धीरे करके मुझे सच में ये फील आने लगा जैसे कि शादी की ही चीज़ें चल रही हैं। अब इत्तफाक से इसी बीच में मेरे पड़ोस में एक शादी भी होनी थी, और उस बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी कि उनके घर में फंक्शन होने लगे, उनके घर में टेंट लगने लगा। अब तो मुझे अपनी ही गली में घुसते समय, क्योंकि उनका टेंट मेरे ही घर के बाहर भी लगा हुआ था और आगे तक जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही घर में शादी है। यहाँ तक कि उन्होंने लाइटें भी मेरी छत से निकाल करके भी लगाई थी, बिल्कुल ही पड़ोस वाला घर था, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरे ही घर में शादी है। और इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की, मैं एक्ट एज इफ टेक्निक ही कर रही थी। इसी बीच में मेरे पार्टनर से मेरी बात होती है और कमिटमेंट को लेकर के ही बात होती है। कमिटमेंट तो क्या, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे शादी की ही बात की और उन्होंने कहा, बहुत तमाशा हो गया, पहले तुम अपने तमाशे में रही और अब जब मैं दूर गया तो फिर तुम अब एक नए तमाशे में आ गई हो, मुझे सपनों में आती रहती हो। और बस उसके बाद क्या था, मेरी एंगेजमेंट हुई है, जब उस लड़की की विदाई हुई है मेरे पड़ोस वाले घर से, उसी सेम डे पर मेरे एंगेजमेंट भी हुई है। ये इतना सुपर फास्ट हुआ है जितना मैं सोच भी नहीं सकती। आप खुद सोचो, 20 दिन तक बस टेंट मेरे घर के बाहर लगा हुआ था और उस बीच में ही मेरी एक्ट एज इफ टेक्निक अपने आप ही आ गई थी और मैं ये फील कर रही थी। इसी बीच में मेरे पार्टनर का मेरे पास में कॉल आता है और इसी बीच में हमारी फैमिलीज की मीटिंग हो जाती हैं और इसी बीच में एक छोटी सी घर पर ही एंगेजमेंट भी हो जाती है। और ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्ट एज इफ टेक्निक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मैंने इससे बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। मेरे लिए ये सबसे अच्छी और पावरफुल टेक्निक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्ट एज इफ टेक्निक, देखिए एक्ट एज इफ टेक्निक जब आप करते हैं तो आपको ये हमेशा फील करना होता है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम कुछ देर कर सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ देर भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा फील करेंगे उतना ज़्यादा आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है, हो गई है। यानी कि इन्होंने क्या फील करना शुरू किया कि हो गया है, और इत्तफाक कहें या इनको एक डिवाइन यू नो हेल्प मिल गई, इनको यूनिवर्स ने इनको एक हेल्प पहुंचा दी कि पड़ोस के ही घर में शादी है, तो वो जो माहौल था वो ऐसा हो गया कि घर के बाहर से टेंट जा रहा है, जैसा होता है ना, मुझे बिल्कुल अपना वहाँ का ना दिल्ली वाला घर याद आ गया। यहाँ तो इतना अलाउड नहीं है कि आप एकदम ही ऐसे टेंट लोगों के घर के बाहर से लगा लो, लाइट लगा लो, लेकिन दिल्ली वगैरह में ऐसा मैंने देखा है, मेरे ही घर के बाहर से बहुत सारे लोगों के कभी जागरण के टेंट, कभी शादियों के टेंट, कभी इन तरीके की चीज़ों के टेंट मैंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं। तो इस तरीके के जो टेंट लगे होते थे तो वो हेल्प कर दी इनको एक्ट एज इफ टेक्निक में, और बहुत छोटा टाइम निकला है। ये शुरू से कर रहे थे एक्ट एज इफ टेक्निक और उसके बाद में 20 डेज टेंट उनके घर के बाहर रहा, और जिस दिन वो लड़की की विदाई हुई है, यानी कि ऑब्वियसली एक रात में जो शादी हुई होगी उसके बाद मॉर्निंग में जैसे विदाई हो गई, उसी दिन इनकी एंगेजमेंट भी हो गई। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, इनफैक्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम के बारे में नहीं लिखा है कि उन्होंने कितना टाइम तक फॉलो किया है, लेकिन एक्ट एज इफ टेक्निक की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके अंदर लेट गो नहीं करना पड़ता, आपको इसके छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर आपको बस उस फ्रीक्वेंसी से तब तक मैच करना होता है, उस चीज़ को तब तक जीना होता है जब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी चाहती है, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कितना इजी है ना, अब मैं ख्याल अब मैं उसके ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करी, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।